शादी की। रायबरेली में एक दुल्हा शादी करने हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। आगरा से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। आसमान में उड़ते इस हेलीकॉप्टर से कोई मंत्री वीआईपी नहीं आ रहा, बल्कि इस हेलीकॉप्टर से हो रही है दुल्हन की विदाई। तस्वीरें ताज नगरी आगरा की हैं, जहां कार में सवार होकर दूल्हा और दुल्हन दोनों कुछ इस तरह आते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं। खेतों के बीच बने इस हेलीपैड पर आसमान से हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है और दुल्हन के परिवार वाले बेटी को विदा करने हेलीपैड तक जाते हैं। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर ले गया, और वो भी अनोखे अंदाज में। दुल्हन हेलीकॉप्टर में विदा हो रही थी तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल नई नवेली दुल्हन के पिता देवीराम की दिली इच्छा थी कि उनकी इकलौती बेटी पिंकी की विदाई हेलीकॉप्टर से हो, और उनके दामाद सत्येंद्र ने उनकी इच्छा को पूरा किया। बेटी की अनोखी विदाई का सपना पूरा होने के बाद देवीराम खुशी से फूले नहीं समा रहे, साथ ही पूरे इलाके में यह अनोखी शादी चर्चा में है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। आंखों पर चश्मा, सिर पर सहरा और शेरवानी, तस्वीरें रायबरेली की हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला जब दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में विदा कराकर ले गया। दरअसल छोटे लाल ने अपने इंजीनियर बेटे प्रशांत और होने वाली बहू दीक्षा की इच्छा को पूरा करने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगवाया और डोली के रूप में दूल्हा दुल्हन को विदा कराकर ले गया। दूल्हे के पिता की माने तो उन्होंने समाज में दहेज प्रथा बंद करने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाया, जिसकी गांव के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बहू बेटी में कोई वो नहीं किया है, और बहू की इच्छा थी तो पापा ने आगरा से संजय सिंह और रायबरेली से शिव प्रसाद, इंडिया न्यूज़।